हरे कृष्ण। हमने कल देखा किस प्रकार से विश्वामित्र मेनका के चंगुल में आ गए और उन्होंने फिर से तपस्या करना शुरू किया। इंद्र से यह रहा न जाए, देखा न जाए, सहा न जाए, कुछ किया भी न जाए। इंद्र क्या कर सकते थे, वो देख रहे थे। एंड विश्वामित्र हैड टू बी स्टॉप्ड, यू सी। इंद्र ये हमें शास्त्रों के माध्यम से सही में बताते हैं कि एक व्यक्ति को कैसा नहीं होना चाहिए। यस, एंड सच ए वंडरफुल लेसन वी लर्न, हाउ अ पर्सन शुड नॉट बी। दूसरों की साधना से, दूसरों की तपस्या से, दूसरों के ऊपर उठने से इंद्र जलते हैं और इस जलन में वो कई गड़बड़ कार्य कर देते हैं। सो इंद्र ने सोचा अब क्या किया जाए, मेनका का तो भेज दिया। उन्होंने कहा रंभा से, रंभा आप जाओ। रंभा बोली इंद्रदेव मैं जानती हूं वो क्या कर सकते हैं, मेनका बाल बाल बची है। इंद्र ने कहा अरे कुछ नहीं होगा, प्लीज जाओ, मैं खुद आऊंगा आपको सपोर्ट करने के लिए, कामदेव के साथ आऊंगा, यू डोंट वरी। सो मेनका आई जहां पे इंद्र तपस्या कर रहे थे, मेनका नहीं सॉरी रंभा आई जहां पे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, और साथ में इंद्र आए एक कोयल के रूप में और सुंदर आवाज में गाने लगे। वहां पे कामदेव भी थे। कामदेव के प्रभाव से और रंभा के वहां रहने से और इंद्र के कोयल के रूप में गाने से विश्वामित्र की तपस्या फिर से भंग हो गई। सामने उन्होंने देखा रंभा खड़ी है, लेकिन वो जानते थे कि ये अब मुझे नहीं यहां से हिलना है। इफ आई अगेन फॉल डाउन टू लस्ट then it is very very detrimental, this is not at all lesson learnt। लेकिन उन्हें गुस्सा आया इतना इंद्र के प्रति, उन्होंने रंभा को श्राप दे दिया, तुम तत्क्षण एक क्या बन जाओगे, एक पत्थर बन जाओगे। आपको अपनी सुंदरता पर गर्व है, नाज है, आप मेरी तपस्या भंग करने आए हो, अब एक पत्थर बन जाओगे। पत्थर को कोई सुंदर नहीं कहता, सब उसको लाठी मारते हैं एट बेस्ट। तुरंत रंभा पत्थर बन गई और इंद्र और कामदेव वहां से गायब हो गए कि वो भी पत्थर न बन जाए। विश्वामित्र ने कहा जब तक एक महान साधु कोई आकर आपको उद्धार नहीं करता तब तक आप पत्थर बने रहोगे। बट देन विश्वामित्र रियलाइज्ड ही हैड अगेन फॉलन डाउन, दिस टाइम नॉट टू लस्ट बट टू एंगर। उस श्राप ने उनका सब तपोबल छीन लिया। हम देखते हैं तपस्या ये करेंसी नोट्स की तरह है और श्राप और बद्दुआएं ये एक्सपेंडिचर की तरह है। हम जितना गहन कठिन श्राप देते हैं दूसरों को, ऐसा हमारा उतना तपस्या का बल कम होता है। वी सी नथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड विच डज नॉट हैव अ काउंटर बैलेंस। आपको कुछ करने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ करने के लिए कुछ और छोड़ना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज लाइक दैट, वी आर ऑलवेज इन द्वंद्व इस भौतिक जगत में। तो विश्वामित्र ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा महाभयंकर गड़बड़ हो गया। अब वो उत्तर से भी निकल गए, वो अब आए पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आकर बैठ करके तपस्या करने लगे, ऐसी घनघोर तपस्या, न भूतो न भविष्यति। इस तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर पूर्ण जीर्ण हो गया। लंबे काल तक तपस्या करने के बाद में अल्टीमेटली उन्होंने आहार तक छोड़ दिया था पूरी तरह से। बहुत समय के बाद एक बार वो आहार लेने जा रहे थे, तभी इंद्र एक बहुत ही भूखे दरिद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, कहा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विश्वामित्र ने आनंद से अपनी खाने वाली प्लेट उनको दे दी, फिर तपस्या करने के लिए बैठ गए। He had conquered over his body। तपोबल इतना बढ़ गया, उनके मस्तक से अग्नि की ज्वालाएं आने लगी। इतना असहनीय हो गया देवताओं को विश्वामित्र की तपस्या, इंद्र और ब्रह्मा साथ में आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आज से आपको ब्रह्म ऋषि प्रोनाउंस करता हूं, आई प्रोनाउंस यू ब्रह्म ऋषि।
विश्वामित्र की आंखों में आंसू थे। एट लास्ट, तीन असफलताओं के बाद उन्होंने प्रैक्टिकली जो चाहिए वो पाया था। ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो चाहिए वरदान मांगिए। विश्वामित्र ने कहा मुझे सारे वेदों का ज्ञान दीजिए और सारे ब्रह्मर्षियों में मुझे भी गिना जाना चाहिए। एवरीवन शुड एक्सेप्ट मी इंक्लूडिंग वशिष्ठ दैट आई हैव बिकम अ ब्रह्मर्षि। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ ने कहा यस आई डू रिकॉग्नाइज यू एज अ ब्रह्मर्षि। और तब विश्वामित्र ने कुछ ऐसा किया जो वशिष्ठ ने भी कभी नहीं सोचा था, ब्रह्मा जी ने भी नहीं सोचा था। उन्होंने, विश्वामित्र ने वशिष्ठ के चरण कमल अपने गोद में लिए और उनको अपने हाथों से पंचामृत से अभिषेक किया। विश्वामित्र को पता चल गया था कि ब्रह्मर्षि होना और उसे टिकाए रखना ये साधारण नहीं है। इट टेक्स अ लॉट। और उन्होंने ऐसे महान व्यक्ति के प्रति गुस्सा, अनादर, ईर्ष्या, शत्रुता, ये ऐसे महान अपराध किए थे। बट नाउ इट वॉज द टाइम टू सेट थिंग्स राइट। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे जो वशिष्ठ मुनि के पैरों को धो रहे थे। वशिष्ठ मुनि के हृदय में भी बहुत पहले से आई हुई उस कटुता को वशिष्ठ मुनि के हृदय ने त्याग दिया। वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र, दोनों ने एक दूसरे को उठने में मदद की और दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन दिया। शत्रुता ये सघन बंधुत्व में बदल गई थी। हम देखते हैं कि ये सारी कथा कहाँ आ रही है। ये सारी कथा आ रही है शतानंद या जनक महाराज जनकपुर मिथिला में, जहाँ जनक महाराज, उनके कुलगुरु शतानंद, उनके कुछ मिनिस्टर्स, सामने विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ये सब खड़े हैं एंड ही इज टेलिंग द ग्लोरी ऑफ विश्वामित्र टू ऑल ऑफ दीज। तो ये हमने जो पूरी विश्वामित्र की कथा सुनी, दिस एक्चुअली कम्स एज अ सब सेक्शन ऑफ द शतानंद स्टोरी विच ही इज टेलिंग टू जनक, द मिनिस्टर्स, विश्वामित्र एंड राम एंड लक्ष्मण। एंड राम और लक्ष्मण दे आर लाइक थ्रिल्ड टू हियर दिस। हम देखते हैं हमारी कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है, उनकी महानता, वो महान है ऐसा ही नहीं, उनके अंदर पिटफॉल्स भी हैं बट स्टिल वो महान है। दैट इज ह्यूमेन, यस, सो दिस ह्यूमन। कोई महान है, उनके अंदर पिटफॉल्स भी हैं फिर भी वो महान है, दैट इज ह्यूमन। और शतानंद ने ये कथा, ये पूरा वृत्तांत बखूबी उन सबके सामने रखा था। जनक महाराज आश्चर्यचकित थे, प्रभु राम और लक्ष्मण आश्चर्यचकित थे। विश्वामित्र की आंखों में नम्रता का भाव था, वो जानते थे कि प्रभु राम ये सब जानते हैं और उनकी शरण लेने के लिए ही तो यहाँ पर विश्वामित्र आए हैं। सबने विश्वामित्र का बहुत बढ़ चढ़ के गुणगान किया। विश्वामित्र फेल्ट कंप्लीटली हम्बल एंड नाउ वी विल सी हाउ सीता एंड राम्स स्वयंवर गोज अहेड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।